हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपको पता है, मेरा स्पेशल डे बहुत ही जल्द आने वाला है एंड उस दिन सबकी नज़र ब्राइट पे ही रहती है। सो इसलिए मेरी स्किन परफेक्टली फ्लॉलेस रहे, ये बहुत ज़रूरी है। बट धूप में शॉपिंग करके एंड शादी की भाग दौड़ में मेरा जो चेहरे का ग्लो है वो चला गया है और गाल और नाक पे भी डार्क स्पॉट आने लगे। मेरी फ्रेंड ने मुझे सलून सजेस्ट किया था फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट, बट उससे करवाने के बाद मेरे फेस पे ड्राई एंड डलनेस हो गया एंड ऊपर से रेडनेस भी हो गया है। मुझे पता था कि ये नॉर्मल स्किन केयर से तो कुछ नहीं होने वाला है। सो मैंने अपना एक स्किन केयर बनाया, वो भी 5 अमेजिंग प्रोडक्ट के साथ। और जो 5 प्रोडक्ट की बात मैं कर रही हूँ वो है ये डर्मा टच पिगमेंटेशन रेंज, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हालांकि ये इशू सिर्फ लड़कियां ही फेस नहीं करती, लड़के को भी फेस करना पड़ता है, पर सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्किन केयर हर कोई यूज कर सकता है। डर्मा टच के सारे प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है और इन्फ्यूज विद क्लिनिकली प्रूफ एक्टिव है और ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ है यूज करने के लिए और ये सब स्किन टाइप पे सूट करता है। सो चलिए जानते हैं क्या है आइडियल स्किन केयर रूटीन फॉर ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस स्किन के लिए। किसी भी स्किन केयर रूटीन को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि अगर आप क्लीन करते हो तो वो आपके फेस से ऑयल, डर्ट एंड जो भी पोल्यूशन है, इम्प्योरिटीज़ है, तो वो सब उसको रिमूव करता है। अब मैं अपने क्लीन चेहरे पर लगाऊंगी बाय बाय पिगमेंटेशन जेंटल एक्सफोलिएट फेस स्क्रब बाय डर्मा टच। ये स्क्रब आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा एंड डेड स्किन सेल को रिमूव करेगा। और इस स्क्रब में है एक्सफोली पर्ल CC10, जिससे माइक्रोबिट स्किन को माइल्ड एक्सफोलिएशन देगा एंड आपके स्किन को ग्लोइंग के साथ हेल्दी भी करेगा। इसमें एक्सफोली पर्ल CC10 के साथ इसमें इंक्लूड है कैफिन एंड सिया बटर, जो मॉइस्चराइज लेवल बूस्ट करेगा एंड सारी टैनिंग को दूर करेगा। जैसे और स्क्रब यूज करने के बाद फेस ड्राई हो जाता है, बट आप इसको यूज करने के बाद आपको ड्राई फील नहीं होगा। बाय बाय पिगमेंटेशन स्क्रब को आपको वीक में 2 बार यूज करना है। इसको यूज करना बहुत ही इजी है। आपको इस स्क्रब को लेकर 5 मिनट तक मसाज करना है और उसके बाद ठंडे पानी से वॉश कर देना है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जिसमें मैं यूज करती हूँ ये पोर टाइटनिंग टोनर बाय डर्मा टच। ये अल्कोहल फ्री टोनर है। ये चेहरे के बड़े बड़े पोर्स को कम करता है, जिसके चेहरे पर झुर्रियां या फाइन लाइंस है वो भी रिड्यूस करता है। ये टोनर में ग्लाइकोनिक एसिड है, जो एक AHA का फॉर्म है, एंड इनकैप्सुलेटेड सैलिसिलिक एसिड है, जो BHA का फॉर्म है। जैसे पावरफुल इन्ग्रीडियंट्स है, ये दोनों इन्ग्रीडियंट पिगमेंटेशन और टैनिंग पे इफेक्ट करता है और ये एक्सेस ऑयल को रिमूव करेगा और हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करेगा। अगर आप ये टोनर फर्स्ट टाइम यूज करें तो आप इसको वीक में 1 बार यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको वीक में 3 बार यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं रूटीन के थर्ड स्टेप पर, जिसमें मैं अप्लाई करती हूँ नाइसिनेमाइड 10% क्लेरिफाई फेस सीरम, एंड ये मेरा फेवरेट सीरम है। और सलून की ब्यूटी ट्रीटमेंट की वजह से जो मेरे फेस पे रेडनेस हो गया था, इस सीरम ने उसको कम करने में हेल्प किया है और मेरे स्किन टेक्सचर में भी इम्प्रूव आया है। ये सीरम नाइसिनेमाइड, जिंक, PCA एंड टायरोस्टेट के कॉम्बिनेशन से फॉर्मुलेटेड है। इसको सुबह और रात को यूज करने से आपको मिलेगा नेचुरल ग्लो लुक, जो एक अच्छा मेकअप भी नहीं दे पाता। अब है फोर्थ स्टेप, एंड फोर्थ स्टेप में पिगमेंटेशन एंड डार्क स्पॉट्स को रिमूव करने के लिए मैं यूज करती हूँ बाय बाय पिगमेंटेशन क्रीम बाय डर्मा टच। ऑफकोर्स ऐसा नहीं कि आपने इसको एक रात यूज किया एंड रातों रात आपका दाग धब्बा गायब हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इसको दिन में 2 बार यूज़ करना है एंड आप 8 वीक तक इसको रेगुलर यूज़ कीजिए एंड आपको खुद ही आपका डार्क स्पॉट्स लाइट होता हुआ दिखेगा। ये पावरफुल क्रीम OA हाइड्रोऑक्सी टायरोसोल LD लाइम पल AF बी वाइट नाइसिनेमाइड टायरोस्टेट -09 से बना है। गाइस, ये इंग्रेडिएंट्स एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन को भी इफेक्टिवली काम करेगा, जिसकी वजह से अभी तक चेहरे पे पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस एंड डार्क स्पॉट्स होते हैं। सो आपको इसको यूज कैसे करना है, बस आपको थोड़ा सा क्रीम लेना है हाथ पे एंड उसको वहीं वहीं लगाना है जहाँ पे आपका डार्क स्पॉट्स है एंड पिगमेंटेशन है एंड ब्लेमिशेस है। सो उसको लगाने के बाद आपको मसाज करना है। इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है स्किन में और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। इसको आप डेली यूज़ करेंगे तो आपको अपने स्किन में डिफरेंस दिखेगा एंड ये क्रीम अपने आप आपके स्किन में अब्जॉर्ब हो जाएगी। सो लास्ट में आपको अपने स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इमीडिएट मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के लिए मैं यूज़ करती हूँ विटामिन ई मॉइस्चराइजर। ये मेरे स्किन को ऑल डे हाइड्रेशन देता है और साथ ही उसे पॉल्यूशन, सन डैमेज एंड हार्श एनवायरमेंट कंडीशन से बचाता है। ये मॉइस्चराइजर में विटामिन ई के साथ हाइड्रोसेला भी है, जो ऑस्ट्रेलिया वाइल्ड रोसेला में एक्सट्रैक्टेड है। ये मैक्सिमम मॉइस्चराइजेशन एंड लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन इफेक्ट देता है।
सो गाइस आप परफेक्ट फ्लॉलेस स्किन डिजर्व करते हैं, सो पिगमेंटेशन को करो बाय बाय। डर्माटॉज आपको फ्लॉलेस स्किन अचीव करने में मदद करेगा। सो डर्माटॉज लोगों को इन्फ्लुएंस करता है फ्लॉलेस स्किन पाने में। सो डर्माटॉज के ये प्रोडक्ट अपने स्किन के रूटीन में इंक्लूड कीजिए एंड यूज कीजिए और पाइए फ्लॉलेस स्किन एंड नेचुरल ग्लो स्किन। सो ये सारे प्रोडक्ट का लिंक एंड कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ पे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके परचेज कीजिए एंड यूज़ कीजिए एंड पाइए ग्लोइंग स्किन। सो यस गाइज, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।